I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 18, 69 and 88 of the said rules in respect of matters other than points of order, question hour and calling attention notices may be suspended for today, the 15th September, and for tomorrow, the 16th September 2024. Now I put the question to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16th September at 12:30 p.m. तवील तरीन इंतजार के बाद भी आईनी तरमीम पेश नहीं की जा सकी। 12 घंटे ताखीर के बाद कौमी असेंबली का मुख्तसर इजलास। स्पीकर ने बगैर कार्रवाई इजलास आज दिन 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। वक्फा सवालात और ईवान के मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। सैनेट इजलास भी आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज सुबह तक मुअख्खर कर दिया। काबीना अरकान को आगाह कर दिया गया। आईनी इस्लाहात तरमीमी बिल आज कौमी असेंबली और सैनेट में पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। लगता है कि नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा आज का दिन नंबर पूरे हो जाएंगे। सहाफी ने यह सवाल किया। आज सुबह ही पता चलेगा ख्वाजा आसिफ का जवाब। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की एक रोज में चौथी बैठक रूम नंबर 5 में खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम सियासी जमातें आईनी तरमीम पर सर जोड़ कर बैठ गईं। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत। आज़म नज़ीर तार, इसहाक डार, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, नवीद कमर, अटर्नी जनरल भी शरीक। मौलाना फजल रहमान की बिल मुअख्खर करने की तजवीज़ पर बाज़ दीगर अरकान ने भी इत्तेफाक किया। पार्लियामेंट की राहदारियों में गहमा गहमी। पार्लियामेंट हाउस आमद पर मौलाना फजल रहमान से वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। आईनी तरमीम मुसविदे और दीगर मामलात पर मुशावरत। खुशखबरी किसके लिए होगी, मौलाना से सवाल। कौम के लिए खुशखबरी होगी, बस आप देखते जाएं, फजल रहमान का जवाब। आईनी तरमीम का मुसविदा अब तक आपको नहीं दिया गया, क्या हुकूमत को आप पर एतमाद नहीं रहा, सहाफ़ी का सवाल। ये हुकूमत से पूछें, मौलाना फजल रहमान का जवाब। गुत्थी सुलझ नहीं रही, मामला है क्या, सहाफ़ी का सवाल। मैं तो आपके साथ ही हूँ, मुझे क्या पता, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। आईनी तरमीम का मामला डेड लॉक का शिकार। हुकूमत नंबर्स पूरे ना होने पर परेशान। सारा दिन गुजर गया, आधी रात बीत गई, हुकूमत के हाथ खाली के खाली। मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत के 100 जतन। वज़ीरे आज़म और हुकूमत के रबते भी बेसूर। हुकूमती वक्त एक बार फिर मौलाना को मनाने में नाकाम। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना से एक और मुलाकात, बेनतीजा खत्म। हुकूमत ने मौलाना से आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर कर दिया। मौलाना फजल रहमान की जानिब से बाज़ नकात पर तहफ़ुज़ात का इजहार। जेशुआई सरबरा की बाज़ तजावीज़ को हुकूमत ने मसवदे में शामिल नहीं किया। मौलाना ने एक मरतबा फिर अपनी तजावीज़ शामिल करने का कह दिया। हुकूमती वफ्द मौलाना का वज़ीर आज़म के लिए पैगाम लेकर वापस चले गए। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात। मुजवजा आईनी असलाहत पर तबादला ख्याल। पीटीआई का मौलाना को आईनी तरमीम की मुखालफत पर डटे रहने का मशवरा। मौलाना की इमामत में पीटीआई रहनुमाओं ने नमाज मगरिब अदा की। हुकूमत तरमीम लाने में जल्दी ना करे JUI का मशवरा। हमें अभी तक आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं मिला। जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं, वोट कैसे देंगे। इजलास जल्दी में बुलाया गया, शायद हम इस पोजीशन में ना हो। इजलास में शरीक होकर अपना मौकिफ पेश करेंगे, रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे सस्ता। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का इतलाक हो गया। बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। डिले की वजह सिर्फ और सिर्फ मशावरत है। मशावरत का दायरा कार वसी करना है और पूरी पार्लियामेंट को सेंस ऑफ द हाउस लेकर
तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करना है, इसके अलावा ताखीर की और कोई वजह नहीं है। और जब मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी तमाम शिकें आपके सामने रखेंगे। और बटन ऑन ऑफ करके तरमीम नहीं की जा सकती, एक एक शिक पर कानूनी माहरीन से मुशावरत जारी है। इत्तफाक राय के लिए तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेना है, मुशावरत का दायरा कार वसी होने से ताखिर हो रही है। वजीर इत्तला की वजाहत, मुशावरत के बाद तरमीम आएगी तो खुशी होगी, मुशावरत मुकम्मल हो जाने पर तमाम शिकें सामने आएंगी। आवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए असलाहत नागजीर हैं, जो भी कानून साजी होगी वो कौम की इज्तमाई मुफाद में होगी। मुकदमात को निपटाने में कई कई दहाइयाँ लग जाती हैं। कौमी नोयत के मामला में जो भी तरमीम होगी उसका फायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान हमारे पुराने इत्तेहादी और साथी हैं, थोड़ा इंतजार करें, अच्छी खबरें मिलेंगी। वज़ीर इत्तला अतातार की मीडिया से गुफ्तगु। शहरी इक्तदार में मेयर मुलाकातों का जोर, इजलास पे इजलास। सेवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरती इजलास। सदर जरदारी की ज़ेरे सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा शरीक, तमाम तरह सूरतेहाल और राबतों का जायजा। सदर ममलिकत से कानून टीम की मुलाकात, आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म हाउस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं की मुशावरत। मौलाना फजल रहमान के मुतालबात और उनकी तरफ से पेश करदा तरामीम का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के दरमियान भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आईनी असलाहत के मुजवजा पैकेज बारे नवाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान समेत दीगर सियासी जमातों से राबतों पर एतमाद में लिया। तरमीमी बिल पेश होने से कबल ब्रेक थ्रू। बी एन पी मैंगल के वफ की साजिद तरीन की सरबराही में स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर कानून से मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मौजूद। आज़म नज़ीर डार की बी एन पी वफ को आईनी तरमीम से मुतालिक ब्रीफिंग। बी एन पी मैंगल ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक हुकूमत से मौकिफ मांग लिया। हुकूमत और आवाम के लिए अच्छी खबर होगी, हुकूमत ने सरदार अख्तर मैंगल के लिए पैगाम दिया है। बीएनपी के दोनों सेनेटर्स पैगाम अख्तर मैंगल को पहुंचाएंगे। साजिद संदरान की स्पीकर से मुलाकात के बाद की गुफ्तगु, खुशखबरी हुकूमत के लिए होगी या ऑपोजिशन के लिए? सहाफी का सवाल, इसका जवाब मौलाना फजल रहमान ही दे सकते हैं। साजिद संदरानी का जवाब, मुजवजा आईनी तरमीम सेनेट में बी एन पी मैंगल के दो वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक रब्ता, बी एन पी मैंगल का लापता अफराद की बादशाबी तक वोट ना देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी सरदार अख्तर मैंगल से रब्ता, बी एन पी मैंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल। अख्तर मैंगल ने सेनेट के दो वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बादशाबी का मुतालबा कर दिया। लापता अफराद के लवाहिकीन सालों से इंतजार कर रहे हैं, हुकूमत को जल्दी है तो लापता अफराद को छोड़ दें फिर वोट ले लें। हमें हुकूमत की यकीन दहानियों का अब यकीन नहीं है, आईनी तरमीम हुकूमत की अपनी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत लापता अफराद हैं। सरदार अख्तर मैंगल की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगु। मुजवजा आईनी तरमीम के अहम नकात सामने आ गए। मुजवजा आईनी तरमीम में बाज़ शिकें शामिल होंगी। आईन के शिक 51, 187, 175, 63, 195 में तरामीम भी शामिल। मुजवजा तरमीम में बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलोचिस्तान की नशस्तें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी शामिल। मुनहरिफ अरकान असम्बली के हल से मुतालिक भी मुजवजा तरमीम में शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीरी के लिए 5 सीनियर जजेस का पैनल वज़ीर आज़म को भिजवाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात कर सकेंगे। पार्लिमानी कमेटी को बाख्तियार बनाने के लिए जुडिशियल कमीशन के साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशियल कमीशन के इकट्ठा होने के बाद हाईकोर्ट के जजेस में से पहले 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनाती के लिए उनकी मंजूरी ली जाएगी। आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालत के लिए ये अलग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुब होगा। आईनी अदालत के कुल 5 जजेस काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट जजेस के एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादले भी मुसवदे का हिस्सा। हुकूमती मुजवजा आईनी तरमीम के नकात।